अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं हैश ब्राउन, जो कि बच्चों के बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं और बड़ों के भी। तो फिर आज हम बनाते हैं और फिर आप देखेंगे किस तरीके से बनेंगे। ये मैंने ऑलमोस्ट हाफ के जी आलू थे, इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है, इसको छील लिया था मैंने इसका छिलका। और ये जो है बड़ा वाला जो ग्रेटर है, इसमें मैं इसको ग्रेट करूंगी। इसकी टिप ये है कि इसको बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर में हमने जो है ना इसको रखना है ग्रेट करके। तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाटर रखा हुआ है, इसके अंदर हल्की हल्की आइस भी है साइडों पे। तो या तो आप ग्रेट कर लें पहले, फिर उसको कोल्ड वाटर में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। फिर अभी हम ये करते हैं ग्रेट, फिर आपसे मिलते हैं। अभी जो तीनों पोटैटो थे हमने इसको ग्रेट कर लिया है और बिल्कुल ठंडे पानी में हमने इसको रख दिया है। अब 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें और थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी और इसको 5 से 10 मिनट रखते हैं, जब तक दूसरी चीजें हम रेडी करते हैं। चलें, अभी हम इसको 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको ड्रेन करती हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडे ठंडे से हो रहे हैं ये ज़बरदस्त। गर्म पानी में, अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए रखूँगी और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें रखना है हमने। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन और ग्रेट की हुई जो है ना प्याज, इसको इसमें मिक्स कर। अभी देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में रखना है। आलू और ग्रेट किया हुआ जो मेरा लहसुन और ये प्याज था, मैंने इसको 1 मिनट के लिए रखना है। बबल्स थोड़े से आने लगे हैं, 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसको ड्रेन करूंगी। मलमल का कोई सा भी आप कपड़ा अलग बिल्कुल रख सकते हैं किचन के लिए। फिर मैं इसको इसके अंदर सारा जो है अभी मैंने 1 मिनट के लिए रखा था, अब इसमें ड्रेन कर लूंगी। और ड्रेन करके ये बिल्कुल कोल्ड वाटर है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैं पोर कर दूंगी। अब इसके अंदर सारा पानी मैं इसका ड्राई कर लूंगी। अब मैं सारा पानी इस तरीके से ड्रेन कर लूंगी। अब ये वाले आलू में पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बगैर पानी के बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से हो गए आलू और इसके अंदर लहसुन और प्याज की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, जो हमने इसके अंदर मिक्स किया था गर्म पानी में जब हमने इसको पोर किया था। तो इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया था, लेकिन मैंने इस तरह किचन टॉवल जो होता है पेपर, मैंने इसके अंदर इसको ड्रेन कर लिया है, और ताकि जो एक्सेस पानी है इसका और अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर ले ये। अब मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी। कितना अच्छा सा पानी इसमें ड्रेन हो गया है, बहुत ड्राई ड्राई से ही हमारे आलू हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिक्स करेंगे, फिर इसको करेंगे फ्राई। तो ये मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून और ये काली मिर्च पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून है। और इसके अंदर जाएगा चावल का आटा, तो मेरे पास चावल का आटा नहीं था, तो मैंने इसको जो है पीस लिया है। अभी थोड़े से चावलों को लेके पीस लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून ये, 2 और ये 3 टेबलस्पून ये हो गया। और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसमें एक मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, इससे ये कि बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे ये, देखें कितने जबरदस्त लग रहे हैं। प्याज लहसुन सबकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, नमक काली मिर्चों की सबकी मिलके, ये देखें सब अलग अलग हैं, बिल्कुल ड्राई हुए हैं। ये देखें इतने अच्छे से बाइंड हो रहे हैं और इतनी अच्छी सी ये शेप खुद ब खुद ले रहे हैं। तो इस तरीके से हो गए और बाइंड भी हो रहे हैं। इसमें जो हमने 3 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला था, उसकी वजह से बहुत अच्छे बाइंड हो रहे हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी भी बनेंगे। अब मैंने ऑयल ले लिया है इतना कि शैलो फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। और इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है हमने, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। देखिए कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है और ये ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। और हम इसको जो है ना वॉफल मेकर में भी बना सकते हैं। देखिए अब ये रेडी हैं, बिलीव मी ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ फोर के अंदर।